सबसे पहले इस बात का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये जो चुनाव संपन्न हुआ है, ये जो प्रचंड बहुमत का बदलाव जयपुर की जनता ने किया है, ये भारी भरकम मैंडेट साथियों, सात प्रत्याशियों में आपने सितारे को 31% वोट दिए। तो सबसे पहले जयपुर नगरवासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, प्रशासन का, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए, हमारे मीडिया से आए हुए सभी भाई, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। नवनिर्वाचित सभासद, आप सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में भाइयों, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था कि शपथ नगर पंचायत प्रांगण में ही कराई जाए, हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया। हम सब लोगों ने शपथ ग्रहण की। मैं ये चाहता हूं कि मैं आप सबके बीच में एक बार फिर से ये शपथ लूं, जिससे मैं मंजर आम पे आप सबके बीच में वो जुमले अदा कर सकूं, वो बात कह सकूं जो सुनने के लिए आप यहां उपस्थित हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ संपन्न की, वालिदा ने शपथ ग्रहण की, मैं आप सबके बीच में अपने वार्ड अहिरान से सभासद नियुक्त हुआ हूं, तो मैं शपथ शुरू करता हूं। मैं दाऊद अलीम इस नगर पंचायत का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठापूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। साथियों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस स्वागत, इस शपथ ग्रहण समारोह में। एक बार फिर से जयपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस भारी बदलाव के लिए। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, साथियों, जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उन सब का, पूरे जयपुर कस्बे का चेयरमैन प्रतिनिधि हूं। आप सब के लिए मैं काम करूंगा, आप सब के लिए मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे 12 घंटे नहीं 24 घंटे के लिए खुले हैं, 24 घंटे के लिए खुले हैं।
मुझे खुशी होगी इस बात पर कि वो मुझे लोग मुझे अपना काम कहें, जो कि मेरा कर्तव्य है, मुझे वो काम करके खुशी होगी, आपकी खिदमत करके, आपकी सेवा करके खुशी होगी। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आप सबका चेयरमैन प्रतिनिधि हूं, किसी कोई विशेष वर्ग का नहीं, मुझे सबने वोट दिया, मुझे सबने सहयोग किया, मुझे सबका काम करना है और यही जीतकर आने वाले सभी लोगों का कर्तव्य है। भाइयों, आपसे चुनाव के दौरान जो भी वादे मैंने किए हैं वो सारे रिकॉर्डेड हैं, उन सारे वादों की अदायगी करना मेरा फर्ज है और इंशाल्लाह जरूर पूरा करूंगा। भाइयों, आज शपथ ग्रहण की गई है, कार्यभार आज से मिला है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन ही मैं अपने काम पे लग गया था, मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग गया था। ये आप लोगों को जल्द दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आपने नगर पंचायत में एक ऐतिहासिक बदलाव किया था। एक और बात भाइयों, आज मौका है, एक छोटी सी पहल मैंने की है शिकायती पत्र की, जिसका प्रोफॉर्मा मैंने ऑनलाइन शेयर किया हुआ है, नगर पंचायत ऑफिस से भी आपको वो मिल जाएगा, मेरे घर से भी मिल जाएगा। वो इसलिए है भाइयों, अभी 8 दिनों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के जो भी जन समस्या है इस कस्बे की, वो 90% मौखिक रूप से बताई जाती है नगर पंचायत कार्यालय में या अपने जन प्रतिनिधियों को, सभासद को या चेयरमैन को मौखिक रूप से बताई जाती है। भाइयों, आप लोगों से मेरा निवेदन यह है कि आप लोग वो शिकायत पत्र का प्रोफॉर्मा मुझसे ले ले, नगर पंचायत ऑफिस से या मेरे घर से ले ले, और रोजाना कम से कम 1 वार्ड से 100 शिकायतें आनी चाहिए लिखित में। मैं लिखित में इसलिए मांग रहा हूं कि वो आपके जनप्रतिनिधि का और आपके नगर पंचायत के कर्मचारियों का दायित्व हो जाएगा, वो जवाबदेह हो जाएंगे उस बात के जब वो आप लिखित में देंगे। तो आप लिखित में रोजाना मैं अपने सभी सभासदों से यह निवेदन करता हूं कि वो भी ये प्रोफॉर्मा, शिकायती पत्र का प्रोफॉर्मा, इसको आम कर दें, इसको शेयर करें और लोगों को जागरूक करें, एक अवेयरनेस पैदा करें लोगों में कि आपको नगर पंचायत से काम लेना कैसे है। मैं काम करने के लिए तैयार हूं, वो भी काम करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा मौखिक रूप से हट के लिखित में आ जाइए, आप सोच नहीं सकते हैं कि इस बात का कितना बड़ा बदलाव होगा। जो शिकायत आप इन रिटर्न देंगे, लिखित में देंगे, वो असरदार होगी, उसका निस्तारण जल्दी होगा। मैं एक बार फिर से वो शिकायती पत्र पब्लिश कर दूंगा, उसको शेयर कर दूंगा।
तो आप लोग वो बहुत आसान है, उसका प्रोफॉर्मा उसमें सिर्फ टिक करना है कि आपकी परेशानी क्या है, वार्ड का नाम मोहल्ले का नाम लिख करके दे देना है और कुछ नहीं करना है। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए ये कहना चाहता हूं, अभी तक आपको जिन जर्जर रास्तों पर चलना पड़ रहा है, जो भी पानी की परेशानियों से निपटना पड़ रहा है, ये जो भी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, साफ सफाई की व्यवस्था से आप जो परेशान हैं, आप सब लोगों को आश्वासन देता हूं, एक महीने के अंदर साफ सफाई का पूरा निजाम दुरुस्त हो जाएगा और आपके कस्बे में साफ सफाई का इंतजाम एक हफ्ते से ही चल रहा है। आने वाले महीने में मॉनसून सीजन है, बारिश हमारे सर पे है, आपके जयपुर कस्बे की नालियों और बड़े नालों की सूची मैंने तलब कर ली है, उसका एस्टिमेट ऑलरेडी तैयार हो रहा है। मैं आप लोगों से यह वादा करता हूं, आने वाली बारिश के सीजन में आपके कस्बे में इंशाअल्लाह जल भराव नहीं होगा। जो उनका प्रस्ताव मैं पहली बोर्ड मीटिंग में कर दूंगा। एक मेरी गुजारिश, एक निवेदन और है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने कस्बे के लोगों से, अपने शहर के लोगों से और अपने सभासदों से, कि वो अपने वार्ड में होने वाले काम चिन्हित कर लें, जो भी गलियां जो भी रास्ते निर्मित होने हैं उनको एक पेपर पे नोट कर लें, एक सूची बना लें और उसको पहली बोर्ड मीटिंग में हम लोग प्रस्ताव में ले लेंगे। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि मुझे अपने कामों की सूची दे दीजिए, आपको जहां लगता है कि ये रास्ता पहले बनना चाहिए, यहां पे जल निकासी की समस्या है या पानी की पाइपलाइन की लीकेज की समस्या है या जो भी और प्रॉब्लम है। इसके बाद इन बुनियादी चीजों को पूरा करने के बाद भाइयों, आपके शहर का सौंदर्यीकरण का काम भी इंशाल्लाह जरूर अंजाम दूंगा। आपके तालाबों की सफाई आपके लिए, पेयजल की व्यवस्था करना, ठंडे पानी के लिए वाटर एटीएम और प्रस्ताव में लेना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं को आपके बीच में रख दूंगा। एक सर्वे लेकर के आपकी सभी जरूरतों को सरकार से कोऑर्डिनेशन में लेकर के, हमारे अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन में लेकर के उन कार्यों को भी मैं अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। कोई किसी से यह ना कहे कि आप हमारे साथ चुनाव में नहीं थे, सब हमारे साथ चुनाव में थे। जयपुर का चुनाव जयपुर की आवाम ने संपन्न किया, उसके लिए मैं संपूर्ण जयपुर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं। साथियों, मेरे दिल में जो बात है वो ये है कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आप लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। इस बात के लिए आप मुतमईन रहिए
आपकी मुस्कुराहटे ऊपर वाले ने चाह तो बनी रहेंगी, 5 साल के लिए नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक के लिए बनी रहेगी। आप सब लोगों के लिए मैं पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाया, समय की कमी थी, मगर फिर भी इस बात की खुशी है कि इस भारी संख्या में आप लोग सिर्फ मेरी शपथ ग्रहण को सुनने के लिए आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब से मैं अपने आवास पर आने की गुजारिश करता हूं। आप सब लोग मेरे साथ मेरे आवास पर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो साथियों मैं इजाजत चाहता हूं और इजाजत के साथ साथ आपसे ये भी कहता हूं कि आप सब मेरे साथ मेरे आवास पे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाइयों। Thank you.